सब्सक्राइब कीजिए ज्ञान ओके चैनल को और गवर्नमेंट जॉब्स, गवर्नमेंट स्कीम और रिजल्ट से रिलेटेड अपडेट का नोटिफिकेशन पाएं सबसे पहले और सबसे तेज। हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल ज्ञान ओके में। दोस्तों, प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना के लिए अगर आपने आवेदन किया है तो हो सकता है आपको भी इस तरह का कुछ दिखा रहा हो, जैसे ये लिखा हुआ है टेम्परेरी होल्ड ड्यू टू अकाउंट रिवैल्यूएशन। और अगर इस तरह का आपको कुछ दिखा रहा है तो आपको क्या करना है, आप क्या कर सकते हैं अगर इस तरह का दिखा रहा है तो क्या उपाय है इसका, इसको सही करने का, यही इस वीडियो में आपको बताएंगे। और दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आपको चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लेना है और बेल आइकन को भी ज़रूर दबा लेना है, जिससे आपको डेली इसी तरह पीएम किसान सम्मान निधि से रिलेटेड वीडियोज़ का नोटिफिकेशन मिलता रहे। तो दोस्तों, इसके लिए हम जाएंगे ऑफिशियल वेबसाइट पर। ये पीएम किसान सम्मान निधि की ऑफिशियल वेबसाइट है और इस पर जब हम आते हैं अपना फार्मर कॉर्नर पर जाके हम बेनिफिशरी स्टेटस यहाँ से चेक करते हैं। इस तरह से यहाँ से बेनिफिशरी स्टेटस खोलेंगे, आधार नंबर डालेंगे और गेट डेटा पे क्लिक करेंगे तो ये इस तरह का हमारा कुछ स्टेटस खुल के आ जाता है। तो इसमें दोस्तों, जैसे कि आप नीचे आते हैं और सारी जानकारी इसमें आपको दिखती है कि सही है, रजिस्ट्रेशन की डेट भी आपकी इसमें काफ़ी पहले की है। तो दोस्तों, इसमें आते हैं तो यहाँ आप देख सकते हैं PFMS बैंक स्टेटस में दिखा रहा है टेम्परेरी होल्ड ड्यू टू अकाउंट रिवैल्यूएशन। आधार स्टेटस में दिखा रहा है आधार नंबर इज वेरीफाइड, यानी कि आधार नंबर सही है। अब दोस्तों, फर्स्ट इंस्टॉलमेंट आप देख सकते हैं, फर्स्ट इंस्टॉलमेंट पेमेंट स्टॉप बाई स्टेट। अब इसमें क्या आपको क्या करना है, सबसे पहले मैं आपको बता देता हूँ। अगर आपको टेम्परेरी होल्ड ड्यू टू अकाउंट रिवैल्यूएशन दिखा रहा है तो आपको ऊपर आना है। पहले तो आपको यहाँ आपके अकाउंट नंबर के 4 डिजिट दिखाएगा, आपको ये चेक कर लेना है यही नंबर है। उसके बाद आपको IFSC कोड चेक कर लेना है। ये सब आपका अगर सही है, उसके बाद आपको क्या करना है, जो ये टेम्परेरी होल्ड जो दिखा रहा है इसके लिए आपको आपका स्टेटस जो आपका अकाउंट है उसका जो आपको देखना है कौन सा वो किस टाइप का अकाउंट है, यानी कि बचत खाता है या जनधन वाला है, ये भी आपको एक बार चेक कर लेना है। और अगर आपकी सारी जानकारी सही है तो आपको कुछ दिन इंतज़ार करना है, आपको 15 दिन का केवल इंतज़ार करना है। और अगर ये 15 दिन में सही नहीं होता है, इसका मतलब होता है कि अस्थायी रूप से आपका जो अकाउंट है उस पर रोक लगा दी गई है जब तक आपके अकाउंट का दोबारा से वेरिफिकेशन नहीं हो जाता है, यानी कि इसको एक बार वो वेरीफाई करेंगे, सत्यापन करेंगे उसका, और उसमें जो आपने अकाउंट दिया है उसको चेक करेंगे कि जो आप जिस फार्मर ने ये अप्लाई किया है ये अकाउंट उसी का है या नहीं है। अब दोस्तों, ये तो एक स्टेटस आपने देख लिया है और मैं सेकंड स्टेटस भी आपको दिखा देता हूँ। इसी तरह इसमें भी आप देख सकते हैं टेम्परेरी होल्ड ड्यू टू अकाउंट रिवैल्यूएशन दिखा रहा है। और जो दोस्तों, मैं एक चीज़ इसमें नोट करी है वो मैं आपको बता देता हूँ। ये ज़्यादातर उन लोगों को या उनके स्टेटस में दिखा रहा है जिन्होंने पहले का आवेदन किया हुआ है, और अब जिन लोगों ने ऑनलाइन आवेदन किया था उन लोगों के उसमें ये नहीं दिखा रहा है, क्योंकि उनका उसी वक्त जो अकाउंट होता है उसका वैलिडेशन हो जाता है। जो आप जब आप आवेदन करते हैं, अकाउंट नंबर डालते हैं, आधार नंबर डालते हैं, तो आधार नंबर का आप ऑथेंटिकेशन करते हैं तो आधार वैसे ही वेरीफाई हो जाता है आपका उसी वक्त नाम के साथ में। और जब आप अकाउंट नंबर डालते हैं तो उसमें ब्रांच नेम वगैरह उसी टाइम आ जाता है, IFSC कोड वगैरह उसी टाइम आ जाता है। तो ये चीज़ें ऑनलाइन में उसी वक्त हो जाती हैं, तो इसलिए यहाँ ये जो ऑनलाइन वाले जो जिन्होंने अप्लाई किया है उनके स्टेटस में इस तरह का मेरे को बहुत कम ही देखने को मिला है। तो इस तरह से दोस्तों, ये आपने सही करवाना है। अगर आपका 15 दिन में सही नहीं होता है तो ये सारी चीज़ें पहले आपने चेक कर लेना है, अकाउंट नंबर के 4 डिजिट, IFSC कोड, और उसके बाद भी अगर आपका ये इसी तरह से रहता है तो आपको तहसील में जाना है और तहसील में आपको पता करना है कि पीएम किसान सम्मान निधि योजना जो है उसका जो काम देखता है कौन सा अधिकारी देखता है। तो वहाँ अधिकारी के पास आपने जाना है और अधिकारी उसके बाद आपका क्या करेंगे, यहाँ आप लॉगिन का जो ये ऑप्शन देख रहे हैं, ये अधिकारी का लॉगिन का जो ऑप्शन है, अधिकारी इससे लॉगिन करते हैं तो अपनी यूज़र आईडी से और पासवर्ड से लॉगिन करेगा और आपकी पूरी डिटेल चेक करेगा कि आपकी जो आपका जो आवेदन है उसमें प्रॉब्लम कहाँ है। तो दोस्तों, इस तरह से आपने ये एक बार जाना है तहसील में, और अगर आपको कुछ दिन इंतज़ार करने के बाद भी इसका जो है सॉल्यूशन नहीं मिलता है, ये सही नहीं होता है, तब जाके आपको तहसील में जाना है और वहाँ से तब ये सही होगा।
तो दोस्तों इस तरह से पीएम किसान सम्मान निधि का एक छोटा सा अपडेट आप सभी लोगों के लिए, क्योंकि टेम्प्रेरी होल्ड ड्यू टू अकाउंट रिवेल्यूशन पे बहुत ज़्यादा जो है कमेंट आप लोग कर रहे थे कि ये दिखा रहा है तो इसका क्या उपाय है। और आपको एंड में एक चीज़ मैं और आपको बता देता हूँ, ये अगर जो रिवेल्यूशन जिन लोगों का दिखा रहा है, ये अगर रिवेल्यूशन का मतलब पुनः सत्यापन होता है, तो ये जो पीएम किसान सम्मान निधि पोर्टल है ये और जो गवर्नमेंट का जो ये सारा सिस्टम है खुद ही इसको वेरीफाई करेगा, पहले वेरीफाई खुद ही करेगा और अगर काफ़ी दिन हो जाते हैं तो आपको तहसील में जाना है। तो दोस्तों इसी तरह पीएम किसान सम्मान निधि से रिलेटेड लेटेस्ट अपडेट की जानकारी पाने के लिए और पीएम किसान सम्मान निधि योजना से जुड़ी हुई सभी जानकारी पाने के लिए आप हमारे साथ बने रहें। चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना मत भूलिएगा। साथ ही दोस्तों वीडियो को शेयर करना ना भूलिएगा। तो दोस्तों मिलते हैं फिर इस तरह की एक नई जानकारी के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।